नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में शहर सरकार के शुरुआती रुझान में भाजपा के मेयर कैंडिडेट 7 निगमों में लीड लिए हुए हैं। कांग्रेस 3 तो आप 1 सीट पर आगे हैं। प्रदेश की 11 नगर निगम में मेयर और पार्षदों के लिए काउंटिंग सुबह 9 बजे से जारी है। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी ध्रुवे आगे चल रहे हैं। सिंगरौली में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी रानी अग्रवाल आगे है। भोपाल में भाजपा की महापौर प्रत्याशी मालती राय आगे चल रही है और इंदौर में भाजपा प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव आगे हैं। वहीं उज्जैन में कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार आगे हैं, लेकिन दूसरे राउंड में बीजेपी प्रत्याशी मुकेश टटवाल ने बढ़त बना ली। सागर में भी भाजपा प्रत्याशी संगीता तिवारी आगे हैं। खंडवा में भाजपा प्रत्याशी अमृता यादव 6000 वोट से लीड लिए हुए हैं। वहीं ग्वालियर में कांग्रेस प्रत्याशी शोभा सिकरवार आगे चल रही हैं। बुरहानपुर में कांग्रेस की सहनाज इस्माइल अंसारी आगे हैं। सतना में भाजपा प्रत्याशी योगेश ताम्रकार दूसरे राउंड में भी बढ़त बनाए हुए हैं। जबलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी जगत बहादुर 6000 से ज़्यादा वोट की लीड लिए हुए हैं। 11 नगर निगमों में शहरों की सरकार चुनने के लिए 6 जुलाई को वोट डाले गए थे। मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। कुछ सीट्स पर आम आदमी पार्टी और AIIMIM ने मुकाबले को रोचक बना रखा है। भोपाल नगर निगम में इस बार बीजेपी ने मालती राय को प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस ने पूर्व मेयर और महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष विभा पटेल को उतारा है। भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो कर पूरी ताकत लगाई। कांग्रेस की तरफ से पूर्व CM कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी ने दम लगाई है। ये थी आज की खबर। और खबर हम आप तक पहुंचाते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।